ये दो मीडियम साइज के आलू हूँ, इनको ऑलरेडी मैंने बॉयल करके छिलका उतार कर साफ कर। अब आलूओं को कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे। तो सारे आलू ग्रेट कर लिया। अब इसमें एक चम्मच मैदा और एक चम्मच ही बेसन डाल देंगे। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप सिर्फ बेसन भी यूज कर सकते हैं। एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक और एक चौथाई चम्मच ही गरम मसाला डालेंगे। ये एक चम्मच भर के चिरौंजी है, अगर आपके पास चिरौंजी ना हो तो आप इसमें जो पीनट होती है उनको भी क्रश करके डाल सकते हैं। तो अब इनको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो मिश्रण रेडी हो चुका है। अब थोड़ा सा लेकर हाथ पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसको एकदम गोल गोल पेड़ा बनाकर रेडी कर लेंगे। हल्का सा फ्लैट कर देंगे इसको। तो अब ये रेडी हो चुका है। अब नाइफ में तो हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से कट लगा लेंगे। इससे क्या होगा, देखने में अच्छे लगते हैं नाश्ता जो बनाएंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह कट लगा लेंगे और ये बनकर रेडी हो चुका है। एक और आपको सेम इसी तरह बनाकर दिखाती हूँ। देखिए कितना ईजी है बनाना। तो ये रेडी हो चुका है एंड बाकी सारे भी नाश्ता इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। नाश्ता जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब तवे पे बहुत थोड़ा सा ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। लगभग आधे बड़े चम्मच के ऑयल जो है मैंने रखा है। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं शैलो फ्राई इसको करूँगी। एक एक करके सारे नाश्ते को इसमें डाल देंगे। एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी सेम कलर का फ्राई कर लेंगे। तो देखिए जैसे जैसे फ्राई होते चले जाएंगे उनको निकाल लेंगे और बहुत बढ़िया सा कलर आया। बहुत बढ़िया सा टेस्टी सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी कैसी लगी, ऐसी ही न्यू एंड टेस्टी रेसिपी जानने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल वीडियोज एंड उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड वीडियो को एंड तक देखने बहुत बहुत धन्यवाद।